हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, यूनिवे मॉडेम को या ONU को या राउटर को, आप जो भी बोलिए उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो यूनिवे का मॉडेम कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, यूनिवे का मॉडेम बहुत टाइप से आपको मिलता है, जिसमें से एक टाइप ये होता है। हालांकि इसके जितने भी ONU है, इस वीडियो में जो बताऊंगा उसी प्रकार से सारे को कॉन्फ़िगर करना है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कैसे ONU को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको इसको बैक साइड में यूजर नेम, यूजर एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4 दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको IP के द्वारा, मतलब यहाँ पे लॉग इन IP लिखा हुआ है 192.168.1.1, यूजर नेम में है यूजर एडविन और पासवर्ड में है 1 2 3 4, अगर आप इसके द्वारा लॉग इन हो जाते हैं तो आपको फ्रेंड्स ओनली वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन फुल सेटअप के साथ में करना चाहते हैं तो इसके द्वारा नहीं होगा, उसका यूजर नेम और पासवर्ड कुछ अलग होता है। तो आज क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है और कैसे करते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, आपको यूजर नेम में देना होगा एडमिन, स्मॉल लेटर में एडमिन देना होगा फ्रेंड्स, और पासवर्ड में आपको देना होगा ONU फ्रेंड्स, कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में @ और मैक एड्रेस 4 डिजिट का आपको दिखना है लास्ट में से, जैसे कि यहाँ पे है 4V10। तो मैं दूंगा ONU@4V10 और आपका जो मैक एड्रेस होगा फ्रेंड्स वो स्मॉल लेटर में होगा। मैं यहाँ पे आपको टाइप करके भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए मैं आपको टाइप कर रहा हूँ। मैक टाइप करूंगा फ्रेंड्स ONU@ और 4 डिजिट लास्ट का मैक एड्रेस, तो क्या था मेरा, 4V10। ठीक है, @ के बाद में फ्रेंड्स आपको स्मॉल लेटर में मैक एड्रेस लिखना है, @ के पहले ONU को कैपिटल लेटर में लिखना है, तभी जाके आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो चलिए मैं अपने राउटर में लॉग इन होता हूँ। पहले इसको कट करके मैं फिर से सर्च करता हूँ कि आपको भी क्लियर हो जाए। 192.168.1.1, ठीक है, और मैं इंटर कर दिया। उसके बाद में आप देखिए मुझे यूजर नेम और पासवर्ड देना है फ्रेंड्स इसमें। तो मैं यूजर नेम में क्या दूंगा, अभी मैंने आप सभी को बताया मैं क्या दूंगा फ्रेंड्स, एडमिन दूंगा, वो भी स्मॉल लेटर में एडमिन दूंगा। उसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड में मैं दूंगा ONU, जो कि कैपिटल में होगा फ्रेंड्स ONU@। उसके बाद में मेरा जो मैक एड्रेस था लास्ट 4 डिजिट का, मैं उसको इसमें फिल करूंगा। तो मेरा मैक एड्रेस था फ्रेंड्स 4V10। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना कैप्चा को फिल कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपना कैप्चा फिल कर रहा हूँ। कैप्चा को बड़ी ध्यान से देखकर फिल कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बार गलत हो जाता है, जिसके कारण आप लॉग इन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। मुझे लग रहा है कि ये जो एक्स है वो कैपिटल है, तो मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लॉग इन पे क्लिक किया, आप सब देख सकते हैं कि मैं इसमें लॉग इन हो चुका हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पहले से किसी मॉडेम को कॉन्फ़िगर किया है। क्या करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपके पास एक पेज ओपन होके आएगा। इस पेज में आपको इंटरफेस में क्या करते हैं हम लोग, पहले तो आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद में आप देख सकते हैं न्यू वैन इंटरफेस आ रहा है, तो इसमें न्यू वैन इंटरफेस रहने दीजिएगा। और मैं अपना कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको फिल करना है। ठीक है, मोड में रूट रहेगा फ्रेंड्स, राउट। ठीक है, सर्विस में आपको इंटरनेट चूज करके रखना है, और इसमें आपको क्या करना है, LAN 1 LAN 2 और SSID 1 कॉन्फ़िगर कर देना है, मतलब कि आपका SSID शो होगा फ्रेंड्स। ठीक है,
और उसके बाद में DHCP सर्वर इनेबल है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको उसी तरह छोड़ दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं आपको करना है। और उसके बाद में लिंक मोड PPPoE है, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है अगर आप PPPoE के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आईपी वर्जन में आपको IPv4 रखना है, उसके बाद में विलेन मोड में टैग रखना है, और विलेन आईडी जो भी है आपको मिला है आपके BSNL इंटरनेट प्रोवाइडर ने दिया है, उस विलेन आईडी को इसमें आपको फिल करना होगा। और उसके बाद में इसमें आप 0 to 7 के बीच में कोई भी अंक इसमें आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर वही विलेन आईडी जो इसमें आपने विलेन आईडी फिल किया है, उसी विलेन आईडी को इसमें भी फिल कर देना है। MTU आपका 1492 रहता है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है फ्रेंड्स। उसके बाद में इनेबल नेट है, इनेबल नेट रहने देना है। यूजर नेम जो आपको मिला है BSNL इंटरनेट प्रोवाइडर ने आपको दिया है, उसको इसमें फिल करना है। और पासवर्ड फ्रेंड्स पासवर्ड ही होता है, PASSWORD स्मॉल लेटर में लिखना है। सर्वर नेम में फ्रेंड्स अगर आप BSNL के साथ है तो BSNL, एयरटेल, जियो जो भी है आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना है, डिलीट भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अप्लाई पे चेंज करना है, आपका नेट ऑटोमेटिक चलने लगेगा फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारे डिटेल्स को सही फिल किया है। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि यूनिवे मोडेम में VoIP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में इस वीडियो में आ गया होगा यूनिवे मोडेम को या राउटर को या ONU को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियो अपलोड होती रहती है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।